हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोके क्लासेज में। फ्रेंड अपना आज बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो परसेंटेज का सेकंड पार्ट है उसकी। ठीक है, कल लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर कवर अप कर लिए, तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बच गए वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, उसके अलावा वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखें, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा लिख देना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है फ्रेंड, अपने यहाँ क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, कल अपने 14-15 क्वेश्चन कर लिए थे, अब आगे देखते हैं अपन। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, ठीक है, उन चुनाव में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची में कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ। सबसे पहले कह रहा है कि 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, यानी कि 90% आदमी ने वोट डाला। ठीक है जी, उसके बाद में कह रहा है जीतने वाले को 47%, जीतने वाले कितना 47%, तो हारने वाले कितना मिल जाएगा 43, और जीतने वाले को 47, हारने वाले को 43। अच्छा जी, 60 मत क्या है, अवैध है, 60 मत अवैध है, और वह 308 मतों से जीत गया, 308 मतों से जीत गया। तो 308 में से 60 तो अवैध घटा देते हैं, पहले कितने बचेंगे 248। ठीक है, यानी कि 248 वोटों से जीता वो, कितने वोटों जीता है 248 वोटों से जीता है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो मैं लास्ट आपको मैंने कराया था। इसके अंदर आपको 60 मत क्या है, अवैध है, तो 60 मत 308 में से आपको घटा देना है, यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध मतों की संख्या 248 हो जाएगी। अच्छा जी, ये 248 किसके कारण मिले, इसको इस 4% के कारण। ठीक है, इस 4% के कारण इसको क्या है 248 वोटों से जीता, जो कि लास्ट क्वेश्चन अपने किया था। ठीक है, तो 4% बराबर फ्रेंड 248, अपने को तो क्या करना है 100% ज्ञात करना है, टोटल मतों की संख्या ज्ञात करनी है इसके अंदर भी, तो 100% टोटल मतों की संख्या 100% है, 100/4 × 248, 4 × 2 = 8, यानी कि 6200 मत क्या है टोटल ऊपर गिरे थे। ठीक है, अपने सबसे पहले क्या बता दिया कि 10% मत तो क्या है डाले ही नहीं उसने, वोटिंग नहीं की 10% लोगों ने, यानी कि 90% लोगों ने वोटिंग की है। ठीक है, उसके बाद 47% तो वोट जो जीतने वाले उसको मिले हैं, तो अब आपको ऑब्वियसली आपको पता है 90% वोटिंग में 47% इसको मिलेगी, तो इसको कितने मिलेगी 43% मिलेगी जो हार गया उसको। उसके बाद में कह रहे 60 मत क्या है अवैध, और वह 308 मतों से जीता है, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए 60 इसके अंदर से घटा देंगे, यानी कि वैध मत कितने आ जाएंगे 248 आ जाएंगे। फिर वही कि ये जो जीता, मतलब जितना किसके कारण है, इन 4% वोटों के कारण जीता है, तो 4% फ्रेंड 248 के ऊपर आ जाएंगे। अपने को तो टोटल ज्ञात करने, यानी कि 100% ज्ञात करने, कितने टोटल कितने वोट हैं, तो 100/4 × 262, 6200 आपको क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में नमक की परसेंट मात्रा को ज्ञात करनी है। ठीक है, 6 लीटर क्या है नमक का घोल है, इसमें से 30% क्या है इसमें नमक, यदि इसके अंदर 1 लीटर वाष्पित कर दे तो इसका क्या है परसेंट में ज्ञात करने का जो एक ट्रिक है या सूत्र मान सकते हैं आप, वो है दी गई आपको मात्रा, कितनी आपको मात्रा दी गई। ठीक है, उसके अलावा जो परसेंटेज उसका कितना परसेंटेज उसके अंदर, अपॉन दी गई मात्रा में से प्लस माइनस डाली या निकाली गई, डाली या निकाली गई मात्रा। ठीक है, अगर डाल रहे हो तो एड ऑन हो जाएगा, अगर निकाल रहे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, दी गई मात्रा कितनी इसमें फ्रेंड 6 लीटर दे रखा है इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें नमक की मात्रा कितनी दे रखी है आपको, परसेंटेज मात्रा दी हुई यानी 30% है, दी गई मात्रा 6 है, उसके इसके अंदर क्या कर रहा है ये वाष्पित कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है, तो 6 - 1 लीटर, 1 लीटर इसके अंदर क्या कर रहा है वाष्पित कर रहा है। ठीक है, तो
तो कितना हो जाएगा, 6 × 30/5, यानी कि फ्रेंड 36% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसके अंदर मात्रा को अपन डालते हैं तो परसेंटेज के स्थान पर क्या करते हैं उसको, यदि डालते हैं तो परसेंटेज दिया उसका विपरीत लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे कि डालना होता 30% की जगह अपन 70% लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो वो दे रखा है वो भी रिवर्स हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आई होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर कैसे मात्रा अगर डालेंगे तो क्या चेंजमेंट होगा वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक। ठीक है, अब कितना नमक और मिलाया जाए कि घोल का नमक 44% रह जाए, 44% रह जाए, यानी यहाँ पर मिलाना है ना कि फ्रेंड निकालना। अगर मैंने आपको बताया था मिलाना है तो ये चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दी गई मात्रा कितनी है 400 ग्राम, 30% कितना हो जाएगा 70%, अपॉन 400 डाल रहा है यानी एड ऑन, कितना इसके अंदर और एड ऑन करें बराबर कितना किसके बराबर, 44 यानी कि 56% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या है विपरीत हो जाएगा, जैसे कि इसमें नमक की मिला रहे हैं तो परसेंटेज के स्थान पर पानी का लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नमक दे रखा है तो नमक के स्थान पर पानी का यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे अपन, आपका राम का वेतन मोहन के वेतन का 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना है, राम एंड मोहन, राम का वेतन मोहन के वेतन का 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। मोहन का अपने को ज्ञात करना है, राम का दिया हुआ परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो फ्रेंड सो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80%। ठीक है, यानी कि 80% आपको बताना, फिर मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट कम है, तो इसका क्या है 80% है, इसका कितना है 80% आया, इसका क्या 100%, यानी कि 20% कम है। अगर कम बुझे तो 20%, वैसे बुझे कितना है तो 80% आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, चीनी के भाव में कितनी 40% की कमी हो रही है। ठीक है, तो नीचे भी चाहिए, फिर 100 - 40 × 100 परसेंटेज में ज्ञात करनी है, तो 40/60 × 100 यानी कि 200/3 18 66 सही 2/3% क्या करनी पड़ेगी उसको, वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, कमी या वृद्धि हो रही है अपॉन 100 - कमी या वृद्धि, परसेंट में ज्ञात करना तो 100 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस प्रकार आपका 66 / 2/3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टिकटों में क्या कर दें, 20% दर में, टिकटों की दर में 20% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, और दर्शकों की संख्या में 30% की अपन क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर जो टिकट के अंदर कितनी कर दें, 20% कमी, यानी कि 80 कर दें, और जो टिकट आपकी दर्शकों की संख्या में क्या करते हैं, 30% की वृद्धि, यानी 130 कर दें, तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 100। ठीक है, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पर 13, 104, यानी कि कितने ज़्यादा है, 100 से 100 माइनस 104, यानी 4% क्या है, अधिक है। ठीक है, 4% यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर साथ क्षेत्रफल, यानी आर में एक में 20% की कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 120 × 120 बटे 100, यानी कि 144, वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44% आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई घरणी अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी करेगी, उसका खर्चा 8% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 20% ही क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अभी इसको क्या है, 108% क्या करनी है उसको, तो जितनी आपको 108 पे ज्ञात करनी है, आपको दिया 120 है। ठीक है, 100% आपको ज्ञात करना है, तो 108 बटे 120 इंटू 100, यानी कि 90% आ जाएगी। अब कमी कितनी करनी चाहिए उसको, कमी करनी चाहिए यानी कि 100 - 90, 10% की क्या करनी चाहिए उसको, कमी करनी चाहिए, ताकि उसका क्या है, खर्च 8% वृद्धि हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेंड आपका, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, सीता का वेतन का क्या हो गया। ठीक है, बताओ गीता का वेतन, अच्छा सीता का वेतन है, वो गीता का वेतन का कितना है, 40% अधिक है। ठीक है, तो बताओ गीता का वेतन है, गीता का वेतन सीता का वेतन का कितना अधिक है, सॉरी यहाँ पर 40% फ्रेंड अधिक नहीं दे रखा, जो गीता सीता का वेतन हो 40% ही है, अधिक नहीं दे रखा, तो 40 तो इसका कितना हो जाएगा, 250% क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पर अधिक नहीं दे रहे हैं यहाँ, इसलिए इसमें 140 नहीं होगा। ठीक है, मैंने 100 जो अधिक है वो पढ़ लिया, इसलिए 140 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अधिक नहीं देते हुए ओनली ये दे रखा कि गीता का वेतन सीता का वेतन का 40% ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है,
30,000 रुपये है, इस प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ वह 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष वही 1+R/100 वाला प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य इंटू एन वाला लगेगा सूत्र, ठीक है। 110/100 गुणा 110/100 कितने वर्षों तक है, 3 वर्षों तक है। दो तो चार, तो ऐसे कट जाएंगे, दो चार ऐसे कट जाएंगे, 1331 इंटू 3 3993 कितना हो जाएगा, 39,930 रुपये, ठीक है। 39,930 आपको क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1+R/100 की पावर एन, तो एन कितना है 3 वर्ष तक, आर का मान कितना है यहाँ पर 10% दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य आपको दे रखा है 30,000 रुपये, तो इजीली आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरी का वेतन सोहन के वेतन का 10% कम है। हरी है एक, तो एक सोहन है, एक मोहन है, ठीक है, तीन लोग हैं जी। हरी का वेतन सोहन के वेतन का 10% कम है, सोहन का वेतन मोहन के वेतन का 25% अधिक है। जो सोहन का वेतन है वो मोहन के वेतन का 25% अधिक है, यानी कि 125 हो गए। अब हरी का वेतन है वो सोहन के वेतन का 10% कम है, यानी कि 110/100 × 125 10% का होगा तो फिर 90, यानी 112.5, इसका कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या दे रखा है, 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। इसका ये 10% क्या बता रहा है, कम बता रहा है, तो क्या 10% 125 का कितना कम हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मोहन का वेतन 2,400 रुपया हो तो हरी का वेतन ज्ञात करें। मोहन का कितना है भैया, 100, ये कितना है 2,400 के बराबर है। मोहन का वेतन दे रखा है उसने 100, मतलब अनुपात में तो 100 है लेकिन रुपए में कितना, 2,400। अब आपको ज्ञात करना है हरी का वेतन, ठीक है। हरी का कितना है 112.5, आपको क्या करना है ज्ञात करना है, जो तो ज्ञात करना है ऊपर दे रखा नीचे 2,400, ठीक है। 2,400 को इससे गुणा करोगे तो 2,700 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद एक चुना, ठीक है, ये चुनने वाले कितने हैं 20%, 60 लोगों ने क्या किया, बी चुना, बाकी होते निश्चित नहीं थे, यानी कि 80-20% लोग निश्चित नहीं थे, ठीक है। यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना हो वो अनिश्चित थे तो अंतर 720 लोगों का है, यानी कि इसका अंतर कितना दे रखा है 40% है, वो 720 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितने पर हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा। तो संरक्षण में कुल कितने गया, यानी कि आपको क्या करना है 100% संरक्षण में कुल बचा, तो 100/40 × 100 है 720, 25, इसका कितना हो जाएगा 1,800 व्यक्ति क्या थे उसमें टोटल संरक्षण में थे, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स साफ साफ 20% लोगों ने उत्पाद दे चुना, ठीक है जी, 60% लोगों ने उत्पाद भी चुना, ठीक है। बाकी व्यक्ति क्या निश्चित नहीं थे, लेकिन उसने यह इसने कह रखा है यदि जिन्होंने उत्पादन भी चुना हो वो अनिश्चित है तो इनमें अंतर कितना है 720 दे रखा, तो अंतर कितना होगा 60 और 20 का 40, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा 720 के। आपको टोटल पूछा है यानी कि 100% पूछा, तो 100% आपको ज्ञात करना है, 100/40 × 720 1,800 व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन अपन ने कवर अप कर लिए, ठीक है। अब और देखते हैं, टाइम है, जैसे कि आपको दे रखा है छोटे छोटे क्वेश्चन और देखते हैं। 800 का 40% कितना होता है, ठीक है। आपके आरबीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 800 का 40% कितना है,
तो 800 गुना 40 बटे 100, 320, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 का कितना परसेंट 900 है, कितना परसेंट 900 है, 1200 का कितना परसेंट क्या है 900 है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि 1200 का कितना है x परसेंट 900 है। तो 1200 इंटू एक्स बटे 100, ये कितना भाई फ्रेंड 900 है। x का मान क्या हो जाएगा 300/4, यानी कि 150/2, यानी कि 75% आपका कह जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है जिस संख्या का 65% 260 है, यानी कि इसके अंदर फ्रेंड सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ गया आप परसेंट की, तो आप इजीली सभी क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर आपको लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है किस संख्या का मान एक्स का 65% 260, ठीक है, 260 है। यानी कि 400 आपका क्या जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 12.5 को प्रतिशत को साधारण बीन में बदलो, 12.5/100, एक बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 कैसे हो जाएगा, 12.5 परसेंटेज दे रखा आपका, ठीक है। तो 112.5/100 हो जाएगा परसेंटेज का, अब 0.5 कटाएंगे तो 10 कर देंगे, 25 होगी, 100 × 5 × 10, यानी कि 1/8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन थोड़े। अब उसके अलावा जो मैंने आपको कह रखा है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो भी क्वेश्चन आए वो अपने एक बार एक सिलेबस होने के बाद कवरअप करेंगे, ठीक है। वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हो, वो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यार फिर जो वीडियो इसको दबा कर शेयर किया करो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। इसके अंदर इतने जितने एक्सपेक्टेशन व्यू थे उतने व्यू इसके अंदर आ नहीं रहे हैं, इसलिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमें भी क्या है मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अलग अलग क्लासेज के क्या क्या अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, जो 5 घंटे हैं वो एक दिन का कितना परसेंट है, ये आपको ज्ञात करना है। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे, 5 का ज्ञात करना है, 5/24 × 100, ठीक है। 5/24 × 100, इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 सही, 5/6, ठीक है। एक सौ 25/6 × 12 = 50, यानी 5 × 5 = 6, ठीक है। 50 × 6/5 इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसको दे रखा था वो 5 घंटा एक दिन के कितना परसेंट है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ओके, क्योंकि लाभ हानि हो गई, परसेंटेज आपका हो गया आज। नेक्स्ट फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, 81% बराबर बी का 50%, बी बराबर ए का एक्स परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो 81% बी का 50% के बराबर है, ठीक है। बी की क्या है 50% के बराबर है, यानी कि 8 = 5 बी, 8 = क्या है 5 बी दे रखा है। अब क्या करना है, बी बराबर ए इंटू एक्स बटे 100, इसका क्या करना आपको मान ज्ञात करना है, ए का एक्स परसेंट का ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5/8 बी, पुट अप ए इंटू, सॉरी ए का मान कितना है 5/8 बी इंटू
एक्स बटे सौ, बी से क्या है बीस कट जाएगा, यानी 5x = 800, एक्स बराबर 5, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड 160, आपका क्या x का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में देख से देख शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये है मैंने यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको कोई यहाँ पर सिलेबस के कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए एक कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा हमें सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, उनके साथ जो ये जानकारी शेयर कीजिए, ये ऐसी ऐसी क्लासेज चल रही हैं तो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, उसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।